हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए आया हूँ 1000 वाट का एम्पलीफायर, जो कि स्टूडियो प्लस कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर है PVT 1000M। एक बूस्टर एम्पलीफायर है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसका इंटरनल पार्ट भी चेक कराएंगे, किस तरह बनाया हुआ है। काफ़ी ओल्ड मॉडल है, मैंने कहा एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो बूस्टर एम्पलीफायर होता है बहुत बढ़िया तरीके से बनाया रहता है। इसमें अंदर का पार्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन इस पर क्या क्या चलाया जाता है। आप लोग इस पर यूनिट ड्राइवर ज़्यादा से ज़्यादा चला सकते हैं, और HF भी चला सकते हैं, LMT ड्राइवर भी चला सकते हैं, स्पीकर भी चलेगा दोस्तों, लेकिन स्पीकर भी उतना ये सब पंच नहीं दे पाते हैं जितना देना चाहिए। जितना MOSFET एम्पलीफायर पे पंच आता है, उतना बूस्टर एम्पलीफायर पंच नहीं दे पाते हैं। एकदम कंफर्म बता रहा हूँ, आप लोगों के पास होगा तो आप लोग जानते भी होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका इंटरनल पार्ट दिखाता हूँ किस तरीके से बना हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखिए 2N3773 का इसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। बाकी इसमें आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ 5, एक तरफ 5, यानी कि 10, और फिर इसके नीचे साइड में भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कहने का मतलब यह है, जो ट्रांजिस्टर होता है इसका ये ओल्ड मॉडल वर्जन है। अब ज़्यादातर एम्पलीफायर में ये वाला लग के नहीं आता, उसमें MOSFET यूज किया जाता है, यानी कि नया वाला ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है, और ये सब अब छोटे एम्पलीफायर में यूज किया जाता है। लेकिन आप लोग देखिए, ट्रांसफार्म दिया हुआ है, कितना हैवी दिया हुआ है। इसका काम ये होता है, ये सप्लाई को स्टेप डाउन करके ब्रिज रेक्टिफायर पर लाता है, उसके बाद यहाँ से कैपेसिटर पर आता है, जिसका करंट यहाँ से फिल्टर होता है, AC से DC कन्वर्ट होता है यहाँ पे, और उसके बाद सप्लाई यहाँ पे आ जाती है। और आप लोग इधर देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ट्रांजिस्टर के बगल एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, लेकिन अभी ओल्ड मॉडल रेजिस्टेंस है। आप लोगों को रेजिस्टेंस जो सफ़ेद वाला स्ट्रेंजर में लगा रहता है, उस तरीके से अब आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये ओल्ड मॉडल है, तब उतना टेक्नोलॉजी आगे नहीं थी, लेकिन कुछ कंपनी अभी भी यूज करती हैं। उतना टिकाऊ नहीं होता है, सस्ता रहता है, और जो सफ़ेद वाला रहता है वो काफ़ी टिकाऊ रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। आप लोग इस रेजिस्टेंस को किसी क्रॉसओवर नेटवर्क में देखे होंगे, जो कि पैसिव क्रॉसओवर में लगता है, जल्दी से हम लोग जब उसमें हाई फ्रिक्वेंसी देते हैं तो जल जाता है, उतना टिकाऊ नहीं होता है दोस्तों। लेकिन कंपनी ने इसमें लगाया हुआ है, लेकिन ये बढ़िया क्वालिटी का है तो टिका हुआ है। बाकी यहाँ पर इसका तो दोस्तों, आउटपुट ट्रांसफार्म का यही काम होता है कि हम लोगों को जो फ्रीक्वेंसी रहती है बहुत ही परफेक्ट मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी यूनिट ड्राइवर, LMT ड्राइवर या स्पीकर लगाते हैं तो स्पीकर जल्दी ख़राब नहीं होता है। और काफ़ी हैवी एम्पलीफायर है दोस्तों, लगभग होगा, मान के चलिए ये 30 किलो के आसपास है। ये MOSFET मशीन से भी ज़्यादा है, मेरे पास अलग से 3200 है, और 1802 भी है, 3502 भी है। लेकिन दोस्तों, ये 3502 के कितना वजन है इसका, क्योंकि ओल्ड मॉडल है स्टूडियो प्लस का। अब खैर, स्टूडियो प्लस का उतना एम्पलीफायर परचेज नहीं करते हैं मार्केट में लोग, लेकिन ये काफ़ी बेहतरीन एम्पलीफायर है, यूज हो रहा है, मेरे एक दोस्त का एम्पलीफायर है। तो दोस्तों, इसके पीछे का हिस्सा दिखा देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को देखिए, फ्यूज का है जो लगा हुआ है 0.5 एम्पियर का। तो बाकी यहाँ पे फैन है, बाकी यहाँ लाइन आउट जो दूसरा एम्पलीफायर में जाएगा, यहाँ पे लाइन इन का है, बाकी यहाँ आउटपुट के लिए दिया हुआ है दोस्तों, जैसे कि 2 ओम से लेकर 8 ओम तक सप्लाई इससे हम लोग ले सकते हैं। जब स्पीकर कनेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसी मोड पर चला जाएगा जितना स्पीकर लगेगा। बाकी यहाँ पर भी एक आउटपुट के लिए लगा हुआ है, यहाँ पर कॉमन क्या है, लेकिन वो सॉकेट ख़राब हो चुका है। बाकी दोस्तों, इसमें देखिए आप लोग, हीट सिंक काफ़ी बढ़िया दिया हुआ था, मैंने आप लोगों को दिखाया हीट सिंक भी। बाकी इस एम्पलीफायर का जो प्रेफरेंस है बहुत ही बढ़िया था, काफ़ी दिनों तक चल रहा है और चलेगा भी मेरे ख्याल से दोस्तों। बाकी इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है, क्योंकि दोस्तों पुराना एम्पलीफायर होने के नाते काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अब मौके पर, लेकिन रिपेयरिंग के बाद फिर चलने लगता है। और ज़्यादातर दोस्तों, इसको हम लोग दुर्गा पूजा में या किसी अन्य काम पर, जैसे बहुत ज़्यादा खास डीजे प्रोग्राम नहीं है तो वहाँ दे देते हैं, जैसे कि देहात में देना हो 2 साउंड 4 साउंड, तो 2 साउंड ये आराम से लगभग 400 वाट का चला देता है, यानी कि 2 पेटी 1600 वाट लोड लेके चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों जानकारी ऐसे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।